गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश में आज हम काइंड्स ऑफ नाउन करेंगे। नाउन सबको पता क्या होती है? नाउन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। तो नाउन कितनी तरह की होती है? काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन कितनी तरह की होती है। आज हम इसका पहला पार्ट करेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होती है? एक कॉमन नाउन यूज फॉर एनी पर्सन प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब एक ही तरह के पर्सन, एक ही तरह का स्थान या एक ही तरह की वस्तु, इन सबको जो दिखाते हैं वो वर्ड होते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि विलेज, विलेज कोई सभी विलेज हो सकता है लेकिन वो आएंगे सब विलेज के अंतर्गत। शॉप, शॉप कितनी सारी होती हैं। बॉय, बॉय कहीं भी हो सकता है। कितना और कितनी जगह होते हैं और ये सब एक ही सेम काइंड के होते हैं। टीचर, प्लेयर, एनिमल, बर्ड्स एट्सेट्रा। तो ये सब क्या हमारी कॉमन नाउन, जो कॉमन होते हैं हर जगह। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। इन सेंटेंस में आपको कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे कि वी हैव ए येलो फ्लावर, हमारे पास एक पीला फूल है। तो इसमें फ्लावर जो हमारे कॉमन नाउन है क्योंकि वो पूरी फूलों की प्रजाति को संबोधित करता है, तो फ्लावर हमारा कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से शी राइट्स विद ए पेन, वो पेन से लिखती है, तो इसमें पेन हमारा कॉमन नाउन हुआ। दे गेव मी गिफ्ट्स, उन्होंने हमें गिफ्ट दी, गिफ्ट्स। तो ये सब हमारी क्या है, कॉमन नाउन। गंगा इज ए होली रिवर, रिवर हमारी कॉमन नाउन है क्योंकि रिवर कहीं भी हो सकती है, बड़ी छोटी, लेकिन वो होती है रिवर की, उसमें आती प्रजाति में। आई गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी हमारी कॉमन नाउन है। वी वेंट टू द स्टेडियम, स्टेडियम भी हर जगह होते हैं। दे प्लेड चेस, चेस हमारा कॉमन नाउन है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज, इसमें ट्रीज वो भी कॉमन नाउन है और बर्ड्स। तो इस तरह से आपको कॉमन नाउन को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन नाउन। ये ब्लैंक्स आप खुद से फिल करेंगे। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मंकी, शिप यानी कि भेड़, फार्मर किसान, इरेजर रबड़, जॉकर जो सर्कस में होता है, एलिफेंट हाथी, रिंग मतलब अंगूठी, चेस शतरंज, सिल्क जो सिल्क का कपड़ा होता है, कुक्कू यानी कोयल। द डैश गिव्स अस वूल, हमें वूल यानी ऊन कौन देता है, इसमें से देख के फिल करेंगे। द डैश ग्रो क्रॉप्स, फसल कौन उगाता है, फिल करेंगे। द डैश डांसिस एट सर्कस, सर्कस में डांस कौन करता है, यहाँ पे फिल करेंगे। डैश पुल्स द ट्रक, ट्रक को कौन वो करता है, पुल करता है। माय मदर लाफ्स एट द, मेरी माँ किसको देख के हंसी। द पेंसिल पेन एंड डैश आर इन द पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में ये सारी चीजें होती हैं। राहुल प्लेज, राहुल क्या खेलता है, इसमें से देखेंगे। आई हैव ए गोल्ड, मेरे पास एक सोने की क्या है। ए डैश सिंग्स स्वीटली, कौन बहुत मीठा गाता है, गाती है, गाता है पक्षी। वी गेट डैश फ्रॉम सिल्क वर्म्स, सिल्क के कीड़ों से हमें इसमें से क्या मिलता है, इसे देख के फिल करेंगे। उसके बाद मेक सेंटेंस, ये भी आपको करने हैं। जैसे मैंने एक वर्ड दे रखा ब्रदर, इस पर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, जैसे कुछ भी बना सकते हैं। आई हैव वन ब्रदर या कोई भी, या माई ब्रदर नेम इज राहुल, कुछ भी करके। लीव मतलब रहना, आई लिव इन कापेसेड़ा या कुछ भी, दे लिव इन मुंबई, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इनको आप पूरा करेंगे। थैंक यू।